Gracias Tasty Bowl. आई होप कि आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगे. आज हम गणपति बनाने वाले हैं एक ऑर्गेनिक वे में. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. हम ऑर्गेनिक गणपति बनाते हैं. यहाँ पे मैंने टर्मरिक लिया है 1 बाउल, 1 बाउल मैदा लिया है और 1 बाउल वाटर. ये तीनों मेजरमेंट्स सेम क्वांटिटी में लिया है मैंने. आपको जितना बड़ा गणेश बनाना है आप उतना क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं. यहाँ पे अभी टर्मरिक ऐड कर लेंगे. मैदा, अभी हम पहले मिक्स कर लेंगे दोनों को. अभी हाथ से मिक्स करके हम इसमें अगर लम्स है तो लम्स पूरे निकाल देंगे. जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम अभी ये भी मिक्स करेंगे. अभी हम वाटर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें, एकदम से ऐड नहीं करेंगे. ये देखिए मैंने सॉफ्ट बॉल बना लिया है. अभी हम इसे पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे. ये पहले हम बेस, ये एक बेस हो गया. उसके बाद स्टमक, ये चेस्ट, इसके ऊपर चेस्ट, इसके बाद फेस, हैंड्स और लेग्स हम सेम बॉल्स लेंगे. लेग्स, हैंड्स, ears, ये हम किरीटम के लिए यूज करेंगे. ऊपर ये थोड़ा सा बच गया है, हम थोड़ा सा में ऐड कर देंगे. ये हो गया. अभी हम ये इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे इसे. ये हो गया. अभी हम इसे फ्लैट कर देंगे. यहाँ पे मैंने प्लेट पे थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया है ताकि गणपति बनाने के बाद इजीली हम निकाल सके इसे, वरना प्लेट को चिपक जाएगा. ये बेस रेडी हो गया है. अभी हम स्टमक बना देंगे. इसे यहां पे लास्ट में प्लेस करेंगे. ऐसे प्लेस कर देंगे. ऐसे थोड़ा सा वाटर लेते हुए हम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इसको, वरना बाद में ड्राई होने के बाद ये पार्ट्स पूरे अलग हो जाएंगे. अभी हम चेस्ट बनाएंगे. पानी का हाथ लगाइए कंपलसरी, वरना क्रैक्स आ जाएंगे. ऐसे करने से अच्छे से सॉफ्ट बनेगा. ये हो गया. इसे ऐसे हम प्रेस कर देंगे ऐसे, और इसे यहाँ पे थोड़ा सा वाटर अप्लाई करके इसे प्लेस कर देंगे यहाँ पे.
ये हो गया। अभी हम लेग्स बनाएंगे। ऐसे सिलेंडर शेप बनाएंगे पहले, इसके बाद ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि लेग का शेप आ जाए। अभी यहाँ पे हम वाटर अप्लाई करेंगे कॉर्नर में और इसे ऐसे स्टिक कर देंगे हम। एक लेग हो गया, दूसरा बनाएंगे सेम सिलेंडर शेप, वाटर अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, इसे भी ऐसे प्रेस कर देंगे, लेग का शेप दे देंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये लेग्स रेडी हो गया है। अभी हम हैंड्स रेडी करेंगे। हैंड्स के लिए भी हम सेम सिलेंडर शेप बना देंगे और इसे ऐसे प्रेस करेंगे फ्रंट साइड में। ये हम लड्डू रखने के लिए बनाएंगे। ये हो गया और इसे ऐसे स्टिक कर देंगे। अभी हम और एक हाथ बनाएंगे, इसे अभी हम आशीर्वाद देने के लिए हाथ कैसे रखते हैं वैसे बनाएंगे इसको ऐसे। ये भी टच कर इसको अटैच कर देंगे। ये हो गया हाथ। अभी हम फेस रेडी करेंगे। आपको कहीं भी अगर क्रैक्स दिख रहे हो तो आप ऐसे सिर्फ फिंगर को पानी में डिप करके वहाँ पे ऐसे प्रेस कर दीजिए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। अभी हम फेस का पार्ट ऐसे पहले बॉल बना देंगे सॉफ्ट। इसको अभी ऐसे ओवल शेप देते हुए ऊपर ऐसे ही रखेंगे हम और नीचे जो है थोड़ा सा बारीक कर देंगे। ये देखिए ऊपर ओवल शेप ही है, बस नीचे ऐसे साइड पे कर देना है। ये मैंने हेड बना लिया है। अभी हम ये प्लेस करने से पहले यहाँ पे मैंने एक कॉटन लिया है, कॉटन से ऐसे राउंड सर्कल बना दिया है। ये हम जंजम पहले प्लेस कर देंगे, हेड लगाने के बाद हमें फिर ये रखने नहीं आएगा, ऐसे प्लेस कर देंगे हम। अभी हेड प्लेस कर देंगे। ये ऐसे रखने के बाद आप एक टूथपिक लीजिए, टूथपिक लेके हेड और ये जो हम चेस्ट का पोर्शन अभी प्लेस किया था ये दोनों को ऐसे ये लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए।
ये सपोर्ट के लिए रखा है मैंने। ये मैंने ईयर्स का पार्ट ले लिया है। अभी हम पहले इसे राउंड बॉल बना लेंगे, इसके बाद बीच में ऐसे थोड़ा सा डिच करेंगे। डिच करने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ इसको ऐसे उठाएंगे हम। और यहाँ पे फेस के पास वाटर लगा देंगे पीछे, और इसे पीछे से हम इसको अटैच करेंगे। मैं पानी से ही प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। ये हो गया, अभी हम दूसरा वाला भी ईयर बना देंगे। ऐसे डिच करके साइड से यहाँ पे वाटर लगा देंगे, यहाँ पे भी वाटर लगा देंगे पीछे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। और यहाँ पे पीछे से हम स्टिक कर देंगे। ये ईयर्स, ये मैंने किरीटम का पार्ट ले लिया है। अभी इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक छोटा पार्ट लेंगे पहले हम, इसे हम एक ट्रायंगल शेप दे देंगे। प्लेस कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया। अभी पीछे हम एक औरा रेडी कर देंगे। इसे पहले अच्छे से एक बॉल बना लेंगे और इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे हम सर्कल की तरह। वाटर अप्लाई कर लेंगे और पीछे प्लेस कर देंगे। पीछे वाटर लगा के ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए पीछे। ये हो गया। अभी हम आइस लगा देंगे। आइस के लिए मैंने यहाँ पे पेपरकॉर्न्स लिया है दो। पहले हम एक टूथपिक से आईब्रोस बना देंगे ऐसे। नीचे हम पेपरकॉर्न स्टिक कर देंगे। ये गणपति के आइस हो गया। ये रेडी। अभी हम टूथपिक से यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देंगे। हैंड्स पे भी प्रेस कर देंगे ताकि फिंगर्स की तरह अच्छे से दिखे। अभी लेग्स, यहाँ पे किरेटम के पास भी कर देंगे हम।
डिज़ाइंस आपकी मर्ज़ी, ये ऑलमोस्ट गणपति बन के रेडी हो गया है। अभी अभी हम टूथ लगा देंगे गणपति का यहाँ पे। ये भी मैंने टूथपिक्स यूज़ किया है यहाँ पे, और राइट साइड में छोटा होता है। ईयर्स पे भी हम प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। ये देखिए हमारा गणपति रेडी हो गया है। अभी हम इनका वाहन तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने वाहन बनाने के लिए अलग से थोड़ा सा आटा बना लिया है। आप चाहे तो जब आप गणपति बनाने के लिए जब आटा मिक्स कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा आप साइड पे रख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम एक थोड़ा सा अलग रख लेंगे और इसको एक ओवल शेप दे देंगे हम। लेके इसे ऐसे पीछे लगा देंगे इसे। इसको भी हम आइस पेपरकॉर्न्स लगा देंगे। और छोटे से ईयर्स लगा देंगे हम। ये गणपति जी का वाहन भी रेडी हो गया है। हो गया। अभी हम मैंने यहाँ पे मैदा से एक छोटा सा लड्डू बनाया है, वो लड्डू हम प्लेस कर देंगे। ये हो गया। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये जो वाटरमेलन का सीड होता है वो सीड लिया है मैंने, वो यहाँ पे लगा देंगे, तिलक लगा देंगे भगवान को। मैं रेड वाला इस पे बुटो लगा देती हूँ ताकि ब्राइट लगे अच्छे से। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक गणपति बनके रेडी हो गया है। आप गणपति को कैसे भी बनाइए, लास्ट में जो आउटपुट आएगा वो अच्छा ही आएगा हमेशा। देखिए इस साल हम गणपति को घर में ही बनाएंगे। हमें अच्छा सा अवसर मिला है घर में गणपति को बनाने के लिए, क्योंकि हम ये कोरोना के वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं और परचेज नहीं कर सकते हैं। अच्छा मौका समझिए गणपति को घर में बनाने का, और घर पे बनाइए गणपति को, अपने हाथों से श्रृंगार कीजिए। थैंक यू।